तो आज हम सीख रहे हैं इसके ऊपर, ये स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर्म बनाना कि किस तरह से हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर्म बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, तो अभी हम जरा देखते हैं। सबसे पहले आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलना है और यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने टाइप करना है स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो जिस पे स्पेलिंग मिस्टेक के राइट बटन दबा के उसको सही कर ले। ओके, इसके बाद ये लिखना है आपने स्टूडेंट नेम, आईडी, ग्रेड। अच्छा, अब यहाँ पे फॉन्ट साइज को पहले डिसाइड कर ले इसका क्या फॉन्ट साइज है। सेलेक्ट करके इसको टाइटल पे ले जाए, सेंटर करें, फॉन्ट साइज रिड्यूस करके इसका लिया है 22 पर, काफी है। अब ये जो नीचे टेक्स्ट लिखा जा रहा है इसका फॉन्ट साइज 14 पर रख लें। और उसके बाद आपने यहाँ पे गैप देना है, तो यहाँ पे एक एंटर और दबा दें। तो नेम के बाद आपने यहाँ पे स्पेस दे देना है, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाना है और यहाँ पर स्पेस देके हैश, शिफ्ट के साथ 3, आईडी या उसका रोल नंबर जो है यहाँ तक ले लेना, एंटर। फिर टैब दबाना है, ग्रेड लिखना है शिफ्ट के साथ, माइनस का बटन दबाना है और फिर एंटर। ठीक है, फिर यहां से क्लिक करके इंसर्ट पे जाना है। अब टेबल बनाएंगे हम इसके ऊपर। तो टेबल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखें कि 1, 2, 3 कॉलम, पहले एक रो बनाएंगे। सबसे पहले इंसर्ट टेबल, इस रो के बाद एक और रो बनाएंगे इसके नीचे। तो यहाँ क्लिक करके लेआउट में जाएंगे, टेबल पे इंसर्ट ब्लो करेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4 कॉलम है, मतलब यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है। तो यहाँ क्लिक करके स्प्लिट सेल 4 कॉलम और उसको ओके कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से 1, 2, 3, 4 कॉलम्स आ गए। उसके बाद यहाँ क्लिक करके थोड़ा आगे करेंगे, तो थोड़ा आगे करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ क्लिक करके इसके नीचे एक और रो लेंगे। उसके बाद ये तीनों ऑप्शंस लेंगे, इनको सिलेक्ट करके करेंगे मर्ज सेल। स्प्लिट यहाँ से किया था, यहाँ से करेंगे मर्ज, तो ये एक हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे एक और रो ऐड कराएंगे और इसको पूरा एक ही रो बना देंगे। क्लिक करेंगे यहाँ पे इंसर्ट, ग्लो करेंगे, ये थोड़ी बड़ी रो बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी इसको खाली छोड़ देते हैं। उसके बाद नीचे एक और रो बनाएंगे, इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है इंफ्रैक्शन नेम, साइन, लोकेशन, डिसिप्लिनरी एक्शन पैकेज। स्पेलिंग सही कर लेते, और फिर उसके बाद एक और रो ऐड कराएंगे नीचे। ठीक है, अभी आ गया, अब इसको सेट करेंगे, इसकी रो की हाइट बढ़ाएंगे यहाँ से लेआउट में जाके, की हाइट बढ़ाएंगे। कितनी 1.4 रखी है, 1.5 कर दें, 1.5 कर दें, फॉन्ट साइज सेलेक्ट करके इनके बढ़ाएंगे, सही है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, पहले टेबल में थोड़ा काम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी देना है, तो यहाँ पे एक एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें इसमें ब्लैक शेड देना है, तो क्लिक करेंगे टेबल डिजाइन में जाएंगे, शेडिंग्स पे, यहाँ से क्लिक करेंगे होम के ऊपर, सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे,
ठीक है, इनको थोड़ा बड़ा कर देंगे। सेंटर कर देंगे, इस तरह से इसको सेट कर, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखें कि इसमें ये डबल बॉर्डर्स भी आ रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें और काम करना पड़ेगा। और ये जो बाउंड्री बॉर्डर है इसको फिट करने के लिए इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से बॉर्डर्स एंड शेडिंग में जाएंगे, यहाँ से हम एक थोड़ा मोटा वाला बॉर्डर लेंगे। अभी चारों तरफ अप्लाई हो गया, ऐसे नहीं करना हमें, हमें सिर्फ इसकी बाउंड्री पे एक मोटा वाला बॉर्डर देना है। तो फिर इसको ऐसे दोबारा बॉर्डर से थ्रेडिंग में जाना है, बॉक्स पे क्लिक करना है, बॉक्स पे क्लिक करेंगे इनसाइड बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। अभी रुकना, बल्कि डन कर दें, कस्टम करें इसको, ठीक है। अब क्या करें, थोड़े मोटे वाले बॉर्डर लें जो इसके आप बाउंड्री पे इस तरह से लगाएंगे। फिर क्या करें, थोड़ा पतला वाला बॉर्डर लें जो आप इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करके अलग से बॉर्डर की शेडिंग में जाएंगे। और यहाँ पे चूंकि आपको अंदर एक पतला बॉर्डर चाहिए, तो पतला बॉर्डर यहाँ से लेंगे, ये सर इसका बॉर्डर मोटा। अब इसके नीचे आ जाए, ये कैसे बनेगा, टीचर एंड डेट लिखना है हमें यहाँ पे, एंटर, टीचर कॉलन स्पेस, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाएंगे, यहाँ तक लाएंगे, टैब दबाएंगे, डेट लिखेंगे, स्पेस देंगे, शिफ्ट के साथ माइनस का बटन दबाएंगे। अब उसके बाद इंटर करेंगे, इसको कॉपी कर लें, कॉपी कंट्रोल सी, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है, टीचर स्टूडेंट पेरेंट, डिसिप्लिनरी, एंटर। थोड़ा कम करेंगे यहाँ से, इसको थोड़ा कम करेंगे यहाँ से, इसको थोड़ा बढ़ा देंगे, इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ाएंगे, फ्लैट करेंगे, दो लाइन ढाई लाइन की स्पेसिंग रख देंगे, ठीक है, कोई ना नहीं। और इसको भी थोड़ी स्पेसिंग बढ़ाएंगे, इनके भी थोड़ा साइज बढ़ाएंगे क्योंकि ये ज़्यादा छोटे हैं, लिखने में दिक्कत होगी, 0.5 कर देते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा के 0.6 कर देते हैं, ठीक है, ताकि इससे बड़े नजर आए। ज़्यादा बड़ा कर दिए, 4 इसको रखते हैं, 3 इनको रखते हैं, 3 छोटे, 4 ही रख लेते हैं सबको, चले थोड़ा इनका लाइन स्पेस कम कर लेते, डिलीट का बटन दबा के नीचे वाला पेज मैंने डिलीट कर दिया। ये आपका बन गया स्टूडेंट डिसिप्लिनरी एक्शन फॉर्म, अंडरलाइन, सही है, बिल्कुल सेम बना है।